कहाँ के रहने वाले हो? एमपी के। तो पहले काम बंद था दो तीन दिन? हाँ, 2-3 दिन बंद था। बहुत परेशान थे, क्या करें, गरीब बंदे हैं, दिहाड़ी करने आए, बच्चों से छोड़ के आए हैं, बैठने थोड़ी आए हैं इधर। काम बंद हो जाए, कैसे खर्चा चलाएंगे, कैसे बहुत करेंगे काम। अब कैसा लग रहा है आपको? अब काम चालू हो गया, अच्छा लगने लगा, हमारा भी दिन निकल जाए, बैठे बैठे राशन पानी हम कुछ मोल लेना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करें, अगर बैठे बैठे जाते अच्छा थोड़ी लगता है। दिहाड़ी करने के लिए आए हैं, ऐसा थोड़ी। कितने लोग आए हैं? 10-15 लोग हैं एमपी से, गरीब बंदे हैं, दिहाड़ी करने आए हैं, ऐसा ये बैठे बैठे क्या करेंगे, हम तो काम ही के भरोसे, काम कर लगेगा तो हमारा कुछ पैसा बनेगा तो क्या खाएंगे। देखिए, मैं एक्सपायरेंट और इस वार्ड की काउंसलर हूँ, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ये काम बंद हो। आज काम कुछ दिन पहले कुछ काउंसलर को थोड़ा कंफ्यूजन था कि यहाँ काम ठीक नहीं हो रहा है, या माइनिंग को उठाया जा रहा है ठीक तरीके से नहीं उठाया जा रहा है, तो उन्होंने थोड़ी बात की होगी कि मतलब कि ढंग से काम करो, लेकिन मैं तो यहाँ नहीं आई, मुझे नहीं मालूम था। पर मैं चाहती हूँ कि मेरी वार्ड का काम जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। मैंने ठेकेदार से भी बात की थी कि साइडों पर फिलिंग होनी चाहिए, जो घर हैं उनके साइड पर फिलिंग होनी चाहिए। ये दो दीवारें जो हैं वो दे रहे हैं, उसमें फिलिंग हो रही है, लेकिन साइड पे जो खाली जगह पड़ती है, खाली पड़ी हुई है, उसको भरना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो आप नहीं भरेंगे तो पानी जो है वो नीचे आएगा, बीच में आएगा, और घर जो है वो गिरने का जा खतरा है। तो मैं ठेकेदार से यही कहूँगी कि काम जो है वो आप अच्छा कर रहे हो, और अच्छा आगे भी अच्छा करो। हम इसके काम रखवाने में कोई हमारा वार्ड मेंबर कोई भी मतलब के काम नहीं रखवा रहा है। इन्होंने सोचा कि जहाँ कोई काम रखवा रहे हैं, कोई भी काउंसलर जो है वो काम रुकवाने के हक में नहीं है। सभी ये चाहते हैं कि हमारे टाउन की डिवेलपमेंट हो रही है, तो ये डेवलपमेंट जो है ये पूरी होनी चाहिए, अधूरा काम नहीं होना चाहिए, पूरा काम करके जाना है यहाँ से। मैंने कल भी ठेकेदार साहब से बात की थी और उनको मैं यही कहा था कि काम जो है वो अधूरा नहीं होना चाहिए। बड़ी मुश्किल से एक बार पैसे मिलते हैं, अगर आप छोड़ के चले जाते तो फिर बड़ा मुश्किल से काम होना था। तो हम सभी काउंसलर इकट्ठे हैं, सभी हम यही कह रहे हैं, 2 बार मीटिंग हुई है इसके बारे में कमेटी घर में, तो हमने सभी ने मतलब कि यही कहा है कि काम जो है वो अधूरा मत करो, इस काम को पूरा कंप्लीट करके जाओ। धन्यवाद। काम शुरू भी हो गया है। देखिए, मसला कोई इतना बड़ा नहीं था, थोड़ी सी कंफ्यूजन थी और वो दूर हो गई है, और नगरी म्यूनसिपल कमेटी के हमारे नव नियुक्त जो अध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में एक हमारी सभी काउंसलरों की एक मीटिंग हुई, जिसमें ऑलमोस्ट हमारे सभी काउंसलर्स, हमारे वाइस जो चेयरमैन और हमारे भूतपूर्व चेयरमैन शशिकांता जी, सभी तरसेम सैनी जी, नरेश जी इधर नहीं है, राकेश जी, जितने भी हैं सुरेंद्र जी, सब ने बैठ के फैसला किया कि नगरी की बेहतरी के लिए ही जो भी फैसला होगा म्यूनसिपल कमेटी का, नगरी की बेहतरी के लिए होगा, और किसी की भी मंशा नहीं थी काम को रुकवाने की। थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप था जिसको आज बैठ के हल कर दिया गया, और आपने देखा सब लोगों ने खुश होकर यहाँ पर काम शुरू करवाया। हम सब नगरी की तरक्की चाहते हैं, और जो काम ये जो है इसके लिए हमारे सभी काउंसलर, कोई एक या दो की बात नहीं है, अब हम सारे पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के नगरी की तरक्की के लिए एक साथ खड़े हैं, और हम चाहते हैं कि ये काम आगे चले, और आपने देखा शुरू हो गया। छोटी छोटी मोटी जो थी हमने कंसर्न, हमारे जो जिन्होंने काम लिया है उनको बोल दिया, अगर कहीं कोई देख लीजिए कोई ऐसा कोई ज़्यादा गहरा गड्ढा ना हो या कुछ ऐसा ना हो, तो उन्होंने भी कहा ठीक है, हम रोजर वोजर मार के उसको बराबर कर देंगे, कोई इशू नहीं है, बढ़िया काम चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है। सर जी, जो अभी जो बुजुर्ग में जो माइनिंग हुई है जहाँ मलबा उठाया है, किसी ने नहीं उठाया मलबा, कहीं माइनिंग नहीं हुई, यहीं का काम यहीं लग रहा है, ये भी बुजू है, जहाँ डाल रहे हैं वो बुजू ही है, कोई ऐसी बात नहीं है। थोड़ी से कन्फ्यूज़न था किसी बात को लगे, देखिए लोग अलग अलग तरह के रूमर छोड़ देते हैं, किसी हमारे ऑनरेबल पार्षद को किसी ने गलत हो सकता बोल दिया हो या मिसगाइड कर दिया हो, तो उन्होंने कोई बात कही होगी। जब आप ग्राउंड में देखा, अल्टीमेटली देखिए माइनिंग वाली यहाँ पे कोई बात नहीं, जहाँ किसी ने माइनिंग दी, जो भी मटेरियल होगा आता तो नदियों नालों से ही आएगा ना, तो माइनिंग डिपार्टमेंट का भी फ़र्ज बनता है कि जिसने काम लिया उसको मटेरियल प्रोवाइड करना,
तो ये मटेरियल हमारी नगरी में ही लग रहा है, हमारे लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है और बुजू के अंदर ही लग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है हमारे हिसाब से, तो कोई ऐसी बात नहीं है। और लोगों से भी बात की है, सारे जितने भी मोजिज लोग थे, सारी पब्लिक भी यही चाहती है कि काम नहीं रुकना चाहिए, काम चलना चाहिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि देखा हमारा जो रोड का था जो लगा था पिछले दो साल से, लेकिन पहले चार दिन से ये काम बंद था और पूरी नगरी में एक रूमर उठाया जा रहा था कि कुछ पार्षदों ने इस काम को बंद करवाया। तो मैं इसी पे आपको बताना चाहूँगा और नगरी की जनता को भी बताना चाहूँगा कि भाई साहब, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, जब भी कोई काम शुरू होता है तो उसका पहले एक एस्टिमेट बनता है कि इसमें माइनिंग कितनी होनी है, माइनिंग कहाँ से आनी है। इसी माइनिंग को लेके ही सारा ये मसला उठा कि लोग नगरी के कुछ लोग बोल रहे थे पार्षदों की बुजू में माइनिंग हो रही है, तो उसी को लेकर हमारे कुछ पार्षदों ने इधर विरोध जताया और जिसके कारण ठेकेदार साहब ने काम बंद कर दिया। तो इन्होंने काम बंद नहीं करना चाहिए था लेकिन काम बंद किया और आज उसी के सिलसिले में हम सभी जहाँ आए और इस काम को दोबारा शुरू करवाया। लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको भी जहाँ पे आना चाहिए और देखना चाहिए कि काम किस तरीके से हो रहा है, मैं सभी जनता को बताना चाहूँगा कि जैसा कि नगरी में हम कोई काम करवाते हैं, हमने कहीं से भी कोई एक ट्राली भी लेनी हो तो चाहे तो माइनिंग वाले पकड़ लेते हैं और नहीं तो पुलिस वाले पकड़ते हैं। लेकिन जहाँ पर माइनिंग हो रही है, ये नहीं है कि नहीं हो रही है, मतलब रियलिटी है, ये रोड बन रहा है, माइनिंग हो रही है, इसकी फीस होती है, वो इनका आपस में जैसे मर्जी करें, हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें कोई लालच नहीं है, हमारे नगरी का काम हो रहा है। तो इसी के सिलसिले में सभी को बताना चाहता हूँ कि नगरी के पार्षदों ने ये काम बंद नहीं करवाया था, ठेकेदार ने अपनी कुछ कारण थे, मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसके कारण इन्होंने काम बंद किया था। तो मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ कि आज ये काम फिर से शुरू हुआ है और जल्द ही ये काम जो कंप्लीट होगा उसके बाद दोबारा टेंडर लगेगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। सर मसला यह है कि आज दो दिन पहले है जो तक काम लगे रहा बुजू चैन लाइट का, तीन काम ऐसा रहा नगरी च, नगरी म्युनसिपल कमेटी ने तीन काम ला रहे हैं जेडे पार्षदें दी सहमत कन्नै 13 पार्षद है म्युनसिपल कमेटी दे, उन्हें रेजुलेशन पाई है एक काम चालू करा है ग्राउंड दा, पुल दा, बुजू चैन लाइट दा। गल ये कि सर अहें तां बोले है परसों काम नहीं है बंद कराया, अहें दुनिया दी बेहतरी ताई अहें बोले है। गल ये कि अहें उधर भी देखिया पुल हेठ, उधर भी ट्रेलर लगना माइनिंग चला रही, इधर भी हेठ देखिया बुजू चैनल लाइट, इधर भी ट्रेलर लेना माइनिंग चला, अगर ग्राउंड बनाया वो भी ट्रेलर लेना माइनिंग करा रहे। गल सिर्फ इयै पुछया भी तुहें अगर बुजू साढ़े लोकें कदी इत्थों लोना मटीरियल नहीं चुकया, तुहें कुदी परमिशन लेई है कि ये माल चुकी चुकी है, टेंडर ते ने कोई 200 करोड़ का लेदा, कोई 250 करोड़ का लेदा, कोई 300 करोड़ का लेदा, क्योंकि ये ठेकेदार सारे बाहर दे आ रहे हैं, कोई पठानकोट का, कोई श्रीनगर का कश्मीरी आ, कोई कुदू का, कोई पुलवामा का, इन्हें अपना काम करी जाना निकली, इन्हें बुजू की ना खोखला करीता, इन्हें 30-30 फुट 20-20 फुट के खड्डे पाई तरे, अह काम नहीं बंद कराया लोकें की, केइयें साढ़े बंदे जां लोकें गाइड कीता पे इन्हें बुजू का काम बंद कराया, सारे यह बंद कराने दे काम रखाने का है। अहें उस दौरान उस रोड मारन गए, मीडिया लेइए गए, लोकें दसने ताई भाई लोगों दिखो के हालत है बुजू की, अहें कदी लोकें इस बुजू की इन्ना साफ सुथरा साड़ी गंगा मैया है और साढ़ा आने वाले टाइम च जिन्हें खुदाई ये करा रहे बुजू की, वाटर लेवल भी दूर चली जाना, वाटर लेवल पानी का, और जेडे साबण खुदाई करा रहे इको फ्लड बजना, तो जी धुसी धसी बना दे सारी रूढ़ी रेड़ी जानी। हाँ कल हाँ बगतावर सिंह साढ़े नगरी के चेयरमैन बने, कल इन्हें साढ़े मीटिंग ली, अहें बैठे दफ्तर और उन्हें इतने एक डिसीजन लिया, क्योंकि अहें जन्ने बुजू चैन लाइट एक साड़ी बेहतरी ताई, साढ़े लोग जेडे बुजू के कंडे रोंदे हैं उनकी सपोर्ट ताई और इंदे वास्ते इन्नी लड़ाई लड़ी जिदजाद करिए काम है जम्मू का अर्बन लोकल बॉडी डायरेक्टर को काम पास कराया तो रखाया। ये लोकें मत ये तुम गलत समझो कि अहें काम अहें बंद कराया, काम नहीं बंद कराया है, जी बुजू के बिच माइनिंग हो रही, बुजू के बिच जी 20 फुट ठंडे पवा रहे, अज अहें काम मुड़िया चालू बंद ही नहीं कराया रहा तो चालू ही कराना। फिर बगतावर सिंह हुंदे नेतृत्व इन्हें जी काम सारे पार्षद गिरे हैं उत्थै काम चालू कराया, ऐने बोले जा कोई कमेटी को CDR कटा लो या DMO को CDR कटा लो फिर माइनिंग करो, काम तुहें चालू रखो। साढ़ा बुजू चैनल आई का जो काम चले दा एक उस दिन का
काम बंद होगा। मैं साढ़े मिशरफ होर भी इतने जोड़े इस काम के इंचार्ज ने, मैं डोगरी की गल करनी है। मिशरफ जी आप फील्ड में हो तो आपका एक प्रोफेशन भी है, जे इतना बड़ा काम है आपका, तो आपने इतनी जल्दी ये फैसले नहीं ले लेने चाहिए काम बंद कर दो? बहुत सी रुकावटें आती हैं, बैठ के हल होता है। अगर हम आए उस दिन, हमने आपको ये भी कहा आप हमारे बेटा समान हो, भाई समान हो, ठीक है, तो हमने ये बोला आपको कि इतने गहरे खड्डे मत डालो, यही बोला, तो आपने करोड़ों का काम बंद करके आप बैठ के आपकी लेबर बेली बैठी, आपकी मशीनरी बेली बैठी रही, इसका नुकसान किसको होगा? आपको होगा। बाकी काम 2 साल हुआ इधर लगे हुए, हम आए नहीं इधर, काम अच्छा हो रहा था क्यों आना था? अगर हम आए उस दिन किसी हमको शक हुआ कि ये मायने हो रही है, हमारा फुट ब्रिज है इधर, ये इससे ज़्यादा आप डूबे जा रहे हो, तो हमने ये बात कहा, कहने से इतना नाराज नहीं होना चाहिए आपने, आपने भी कम से कम समझ करनी चाहिए कि जो बंदा कह रहा है, जो पार्षद है, चाहे कोई सिटीजन कोई आदमी है, जो सीनियर सिटीजन है, तो उसकी बात पर गौर करना चाहिए। आप दूसरे दिन हमारे कमेटी दफ्तर में आते हुए बताओ मैं क्या करना है, हम बताते आपको ऐसा कर लो, इसमें ना मेरा कसूर है, ना अनिल सिंह का कसूर है, ना नरेश कुमार का कसूर है, ना कोई मीडिया का कसूर है, कोई भी नहीं चाहता ये काम बंद हो। एक काम करने के लिए हमने 20 साल हुआ इस प्लान को लाते हुए कि ना एडमिनिस्ट्रेशन के आगे, स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके आगे ये प्लान रखा है, वीडियो चैनलाइज का हमने रखा है, तो हम बंद करवाने वाले हैं, हम तो काम करवाने वाले में से हैं, तो ये गलत फहमियों में बचना चाहिए, गलत फहमियों से। अगर कोई आपके काम में कोई बात आती है, हमने भी ठेकेदारी की है, हमने टाउन में काम किए हैं, बहुत सी रुकावटें आती है हमारे, हम फेस करते हैं, फेस करना होता है, हथियार छोड़ के थोड़ी बैठना होता है। ये अच्छा आपने, मैं कहता हूँ मेरे हिसाब से आपने अच्छा नहीं किया है, आप काम ने आपने जो काम बंद किया है नहीं करना चाहिए, बैठ के हल होता है किसी भी बात का, बैठ के हल होता है। तो आज सब हम जितने भी हमारे काउंसिल आए हैं, जहाँ सचिन मैडम जी हमारे एक्स चेयरमैन, अनिल सिंह जी हमारे एक्स चेयरमैन, गुरताब सिंह जी का चेयरमैन हमारे काउंसिल हैं, नरेश जी हैं, क्या नेता जी हमारे, बीटा रानी हमारी मित्र जो आए हैं यहाँ, हम सब ने, और लोकल हमारे शहरी भी आए हैं, कोई भी नहीं चाहता ये काम बंद हो, सब चाहते हैं काम हो और सही ढंग से हो, माइनिंग भी हो सही ढंग से हो, बस हम इतनी बात जाए सही है। हमारे भी चाहे हुए काम बंद कौन कराया था? नगरी के एक्स प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट श्री आनंद सिंह जी, और हमारे बीच एक्स प्रेसिडेंट मैडम शशि कांता जी, और एक्स वाइस प्रेसिडेंट तरसेम सैनी जी, नेता जी और बीता देवी जी, हमारे जितने भी काउंसलर्स हैं। मैं नगरी में एक मसला उठा के यही आपने सभी ने बता दिया आपको, उसके बाद हमने सोचा कि चलो काम बंद हो गया है, हमने अपनी म्यूनसिपल कमेटी में सभी को इकट्ठा किया, मैंने बिठाया, मीटिंग ली और समझाया इनको कि ये नगरी की तरक्की का मामला है, इसमें हमें किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्शन होना भी चाहिए, ज़रूरी भी होता है, क्योंकि अगर कोई काम गलत तो हो रहा है नगरी में, तो अगर काउंसलर नहीं बोलेंगे तो फिर बोलेगा कौन? उसमें फिर हमने इनको सबको बिठा कर फैसला लिया गया, जो भी दिक्कत थी बीच में, जो भी परेशानी थी या जो त्रुटियाँ थी वो हल की, और उसके साथ ही फिर आज हमने फैसला लिया कि आज काम को स्टार्ट दोबारा करवाएंगे, क्योंकि ये लोगों की, जनता की भावनाओं का मसला है, जनता की आकांक्षाओं का मसला है, काम हो रहे हैं जनता के हो रहे हैं, हमें तो नुमाइंदगी करने के लिए भेजा, अगर हम नुमाइंदगी भी ठीक ढंग से नहीं कर सके तो फिर हमारा काउंसिलर में आना बेकार है, क्योंकि जनता हमें जिता कर भेजती है वोट दे करके, जाओ म्यूनसिपल कमेटी में और काम करवाओ हमारी, अगर हम काम बंद करवाएंगे तो वो हमें अच्छा नहीं लगता, हम जनता की डेवलपमेंट के लिए आए हैं, डेवलपमेंट करेंगे, और जनता की डेवलपमेंट के लिए हम किसी से भी कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, यही हमारा लक्ष्य है और यही हमारा काम है। जय हिंद जय भारत।